सो हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि आप किस प्रकार से मोटिवेशनल शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर आपको सर्च बार पर सर्च कर लेना होगा मोटिवेशनल इन हिंदी। एंड इसके बाद आपको इस पर आपको क्लिक कर देना होगा 251 प्लस मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। एंड आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना होगा। आपको जो भी पसंद आएगा उसको आप सिंपल सा कॉपी कर लीजिएगा। तो मैं कुछ जो भी मेरे को पसंद आएगा मैं सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो दोस्तों इसको मैं सिंपल सा कॉपी कर लिया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, एक इमेज डाउनलोड कर लेना होगा। इमेज डाउनलोड करने के लिए आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं मनोज डे का इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं मनोज डे पर क्लिक कर दिया। एंड मैं कोई भी ये इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल सा मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर दूँगा। डाउनलोड अगेन पर मैं क्लिक कर दूँगा एंड ये इमेज मेरा डाउनलोड हो चुका रहेगा मेरे गैलरी में। एंड इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत है जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद आपको कैंसिल पर क्लिक कर देना होगा। राइट हैंड साइड के नीचे में सेकेंड वाला ऑप्शन पर चले जाना होगा। इमेज साइज को यहाँ पर 9 लिख देना होगा एंड यहाँ पर आपको 16 लिख देना होगा। एंड ओके पर क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद आपको इस पर डिलीट पर क्लिक कर देना होगा। कलर आपको चूज कर लेना होगा ब्लैक। एंड इस प्रकार का इंटरफेस शो करने लगेगा। एंड इसके बाद आपको एक इमेज यहाँ पर डालना है। इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। मैं मनोज डे वाला इमेज ले आता हूँ एंड इसको सिंपल सा मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। इसको आप लोग क्रॉप व्रॉप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। एंड मैं कर लिया हूँ एंड इसको सिंपल सा आप लोग लॉक कर दीजिएगा ताकि ये इधर से उधर नहीं घसके। इसके बाद आपको इंपोर्ट पर चले जाना है और एक इमेज लेना है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये है ब्लैक शैडो। इसको आप सिंपल सा गूगल क्रोम पर यूज करके गूगल क्रोम पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल सा ले आता हूँ यहाँ। एंड गाइज यहाँ पर अपने हिसाब से आप लोग लगा दीजिएगा एंड इसको भी आप लोग लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको ए पर क्लिक कर देना होगा। टेक्स्ट पर चले जाना होगा। एडिट पर चले जाना होगा एंड यहाँ पर जो आप लोगों ने गूगल क्रोम से मोटिवेशनल जो भी कॉपी किया था यहाँ पर आप लोग सिंपल सा पेस्ट कर दीजिए एंड ओके पर चले जाइए एंड इसको अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से रखना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिलेटिव पोजीशन का। इस पर आपको सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है दोनों साइड वाला नहीं उसके बीच वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड ओके पर चले जाना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाइन का। इस पर आपको बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस प्रकार का इंटरफेस शो करने लगेगा। ए बी फॉन्ट में आप फॉन्ट बदल सकते हैं। मैं अमरनाथ बोल्ड का फॉन्ट ले लिया हूं एंड बी स्टाइल में मैं बी को ओपन कर दिया हूं, एनेबल कर दिया हूं एंड इस प्रकार का इंटरफेस शो कर रहा है। एंड इसमें आप लोग कलर मिक्सिंग कर सकते हैं तो मैं कलर भी मिक्सिंग कर देता हूँ, पीला कलर। सबक है जो आपको बेहतर का मौका देगी। एंड गाइज यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से हो गया है एंड इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अपने हिसाब से साइज को। आप अपने हिसाब से बढ़ा दीजिएगा आपको जैसा पसंद आएगा। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। इसको आप सिंपल सा सेव पर इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर कस्टम को चेंज करके अल्ट्रा में चले जाइए। सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दीजिए एंड ये चीज़ आपके गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है VN।
इस एप्लीकेशन को सिंपल सा आप लोग ओपन कर लीजिए एंड ये एप्लीकेशन आपको सिंपल सा प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा, वहां से आप लोग सिंपल सा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर देना होगा, न्यू प्रोजेक्ट पर चले जाना होगा एंड यहां पर आपको फोटो पर चले जाना होगा एंड जो भी आपने पिक्सल लैब से बनाया है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा एंड नेक्स्ट पर चले जाना होगा। एंड नेक्स्ट पर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको इस चीज़ को डिलीट कर देना होगा क्योंकि वो इस एप्लीकेशन का अंत में रहता है कुछ इनपुट डायरेक्टर, यही सब कुछ जो भी रहेगा आप डिलीट कर दीजिएगा एंड इस प्रकार से तैयार हो चुका रहेगा। इसका आप लोग लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बढ़ा दीजिएगा, मैं 5 सेकेंड तक का रहने देता हूँ एंड बीच में आप लोग कट कर दीजिए, 2 सेकेंड बढ़ा के यहाँ पर बीच में स्प्लिट पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ जो है इस पर आपको जाके एफएक्स लगा लेना होगा। एफएक्स में आप ये भी लगा सकते हैं तो ये भी लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा मोड़ा वाला एफेक्ट लगाता हूँ एंड मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ एंड गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कितना गजब का लग रहा है। इसको आप शुरुआत से करने के लिए जैसे कि यहाँ रहेगा तो इसको आप एरो को इधर ले आइएगा तो शुरुआत से हो जाएगा एंड यहाँ पर चालू करके दिखा देता हूँ, देख पा रहे हैं। बदलने के लिए फिर एफएक्स पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आप लोग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो दोस्तों मेरा तैयार हो चुका है एंड यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं कोई भी तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सिंपल सा मिल जाएगा। गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर सर्च बार पर सर्च कर लीजिए मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है पिक्स बे पर एंड पिक्स बे पर क्लिक कर देने के बाद बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलेगा। आप सिंपल सा किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं सिंपल इस एप्लीकेशन में चले जाता हूं एंड बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना होगा एंड म्यूजिक पर चले जाना होगा एंड म्यूजिक पर चले जाने के बाद माय म्यूजिक पर चले जाना होगा एंड यहां पर म्यूजिक लाइब्रेरी पर चले जाना होगा एंड यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है विनिंग एलिवेशन, ये मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर दिया एंड इसको आप चालू करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको पसंद रहेगा। शुरुआत का अगर आपको पसंद है तो शुरुआत से ही आप लोग देख सकते हैं, अब अपने हिसाब से कर लीजिएगा एंड मैं सिंपल सा इसको चूज कर लेता हूँ, टिक पर मैं क्लिक कर दिया एंड ये मेरा म्यूजिक सेलेक्ट हो चुका है। आप म्यूजिक को बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि यहाँ पर रहेगा तो आप ये जो एरो पर क्लिक कर दीजिए वीडियो एंड पर चले जाइए, आपका एंड तक म्यूजिक हो चुका रहेगा एंड मैं एक बार चालू करके आपको दिखाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सा इस पर क्लिक कर दिया एंड दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा मोटिवेशनल वीडियो बन गया है शॉर्ट्स वाला एंड इसको आप लोग किस प्रकार से गैलरी में सेव कर सकते हैं तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको सिंपल सा राइट हैंड साइड के ऊपर में एक आइकन देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, उस पर आपको चले जाना है एंड इसमें आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप 1440 में करना चाहते हैं, 1080 में करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं 1440 में करना चाहता हूँ अपनी गैलरी में सेव एंड यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया एंड आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है गैलरी में एंड मैं सिंपल से गैलरी ओपन कर लेता हूँ
एंड मेरा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस वीडियो में मैंने किस प्रकार से आप सभी लोगों को मोटिवेशनल शॉर्ट्स वीडियो बनाना सिखाया है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, आप लोग भी देख सकते हो। एंड अगर इस प्रकार का कंटेंट आप लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आपका भी वीडियो वायरल होगा। शॉर्ट्स में इस प्रकार का कंटेंट आप लोग अपलोड करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी एक ना एक दिन वीडियो वायरल होगा। जैसे ही वीडियो वायरल होगा, वैसे ही आप लोग फेमस हो जाओगे, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप लोग भी यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम जनरेट करना शुरू कर दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आए, तो शेयर ज़रूर करना है।